थोड़ी देर पहले ही अजय साहब ने मुझे फोन करके तुम्हारे बारे में बताया। इंस्पेक्टर चुंबुल ने सिंधान को केस के बारे में बताना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर चुंबुल धनीराम के सफल सरकारी थे। रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। पुराने विचारों के होने के साथ वह थोड़ी क्रोधी स्वभाव के थे और थोड़ी मुफट भी थे। क्रोध में अक्सर लोगों को चुभने वाली बातें बोल दिया करते थे। धनीराम के परिवार में उनके तीन लड़के थे, पवन, दीपक, सुनील। तीनों अब स्टर हैं और इसी घर में रहते हैं। इंस्पेक्टर चुलबुल, उनकी पत्नी का निधन छोटे बेटे दीपक के जन्म के समय हो गया था। इनके अलावा रामू नाम का एक विश्वास पात्र नौकर भी रहता था। रामू इनके साथ कई सालों से है, जो उस पर कोई शक नहीं है। सबसे छोटे बेटे का नाम दीपक है। बेचारा शरीर से लाचार है, उसका एक पांव खराब है, इसलिए बैसाखी का प्रयोग करता है। बहुत ही सीधा और नेक आदमी है, कोई काम नहीं करता और सारे समय पर घर रहता है। लेकिन उससे पढ़ने का बहुत शौक है, उसे कोई विषयों पर अच्छा ज्ञान है। इंस्पेक्टर चुंबुल दूसरा बेटा पवन है। वह मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और काफी तेज दिमाग का व्यक्ति है। स्वभाव से समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति है। सुनने में आया है कि धनीराम ने पवन को ही अपना वारिस बनाया है, लेकिन अभी तक कोई भी वसीयतनामा नहीं मिला है। इंस्पेक्टर चुंबुल सबसे बड़ा बेटा सुनील है। सुनील का एक नंबर का विधायक है, आवारा व्यक्ति है। हर दिन धीनाराम से उसकी लड़ाई होती है। वह कपड़ों को व्यापारी है, उससे व्यापार में भारी घाटा हुआ है और उस पर काफी कर्ज भी है।